अरे फिर नहीं हुआ। तू पागल है क्या, क्या कर रही है? हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं अपनी दादी को एयरपोर्ट में रिसीव करने। मेरी दादी ने आज फ्लाइट से ट्रेवल किया है फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, फर्स्ट फ्लाइट है उनकी ये। और मेरी सिस्टर और मदर भी साथ में हैं, हम उनको रिसीव करने जा रहे हैं क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट रूट ले रहा था, तो हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से जा रहे हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारते हैं। थोड़ा सा हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाना चाहते हैं। बारिश हुई थी आज सुबह बहुत ज़्यादा तेज़, और उसके बाद मौसम हो गया बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और धूप ने बोला कि मैं के पीछे रहूँ, मैं भी आऊँगी। यहाँ पे ना रास्ते में बहुत सारे मंदिर आते रहते हैं, तो वी हैव टू टाइम टू टाइम डू लाइक दिस। गाइस आई डिड नॉट नो कि एक मिनी चंडीगढ़ है यहाँ पे। देहरादून चंडीगढ़ से बहुत अच्छा, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं। दादी हम कहाँ जा रहे हैं? हवाई जहाज में। कहाँ जा रहे हैं? देहरादून। कौन से हवाई जहाज में जा रहे हैं? कौन से? पहली बार जा रहे हो फ्लाइट में? पहली बार जा रहे हो फ्लाइट में और खुश हो? बाय कर दो फिर। दादी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून हैज स्टार्टेड नाउ। दिस विल बी हर फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। दादी नॉक कर दरवाजे में। कितना जाम है, बहुत। एक्सक्यूज मी, हेलो, एक्सक्यूज मी, मम्मी मम्मी, ओ माता, मम्मी मम्मी, माता श्री, ओ मम्मी, ओके बाय। बारिश आएगी कि नहीं आएगी? थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। दादी प्लेन से बारिश भी देख ली दिल्ली, और दिल्ली का ट्रैफिक इज टेरिफिक। साशू क्या लगता है, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी? दसों की लगता है तुम्हें? या तो फ्लाइट छूट दूंगी या तुम मौके पे पहुंचोगे। बहुत तेज हो रहा है, दुआ करो आगे की ट्रैफिक ना मिले। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? चौको ट्रैफिक लग रहा है। तुम हरियाणवी कदों बने? तुम तो पंजाबी थे। इतने तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यार। ओ वाओ, आर्टिफिशियल बारिश। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। ये देखिए दिल्ली का ट्रैफिक, इधर ट्रैफिक उधर ट्रैफिक। प्रिविलेज्ड पीपल वॉकिंग ऑन दिस लेन ड्राइविंग। सारों को बारिश इतनी पसंद है। बारिश की फीलिंग लेते हुए हम भी ले, तुम लोग एसी चलने दे भाई, कुछ नहीं लेनी गाड़ी के अंदर, पानी नहीं करना। वेरी बैड। मिनी बिंदास अपनी लाइफ में मिनी टेंशन नहीं लेती है। मिनी कहती निकल गई तो यार निकल गई, दूसरी करा लेंगे। इतनी नहीं देती है मिनी टेंशन, लेती नहीं देती है टेंशन। गजब बेइज्जती है। मैं खुद टेंशन लेती हूं। और क्या, आई एम सेल्फ सेंटर्ड, तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। सो इसमें गलत क्या है? गलत ये, अपना ख्याल रखना अच्छी बात है, पर दूसरों का भी देखना चाहिए। कष्ट देना वो बहुत बुरी बात है। देखो जिंदगी एक ही होती है, तो दूसरों की भी एक है, वो कौन सा 10 बार पैदा तो वो लगे रहना टेंशन देने पे। जाते जाते भी डांटेंगी। डांट कोई असर, डांटा नहीं, ये तो हुआ है। डांट तो उसको जाता जो कहना मानता है, जो डांट का कहना मतलब नहीं समझता उसको डांटा थोड़ी जाता है। करा लिया अपने मेरी बेइज्जती। दादी का एक व्लॉग बनाएंगे हम। दादी खुश हो? दीदा घुमा रहे हो तो खुश कैसे नहीं होगा? दादी बोल रही है घुमा रहे हो तो खुश कैसे नहीं होंगी मैं। दादी हम पहुंच गए। चलो जी, भागते दौड़ते किसी तरह इन लोगों ने अपनी फ्लाइट बोर्ड की। एक तो ट्रैफिक बहुत था, और दूसरा इनका गेट ग्राउंड फ्लोर में था और ये लोग फर्स्ट फ्लोर में चले गए थे। दादी जल्दी चल नहीं पा रही थी, जिस वजह से दादी को व्हीलचेयर में बिठा के मिन्नी ने बहुत तेज़ पहुंचाया। वो वाला शूट नहीं किया है एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। I'm
पता नहीं क्या ये बेल्ट कहाँ रखी है, ये लगी हुई है, चिपकी हुई है। इनिशियली आई थॉट शी इज गेटिंग टियर्ड अप, पर उनकी आंख में खचरा चला गया था। अप अबव द क्लाउड सो हाई लाइक द कॉटन्स इन द स्काई। कैसा था खाना? हेलो गाय। हेलो गाइस, जब बहुत सारी गाय खड़ी होंगी तो हम क्या बोलेंगे? वी हैव रीच टू द एयरपोर्ट। अरे आपको उठा के ले जाएंगे क्रेन वाले। मतलब जब तुम बाहर आओगे मैं गाड़ी आगे ले आऊंगा ना। आज मौसम बहुत मेहरबान था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, वरना यूजुअली अगस्त में देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। These people have finally reached. Yay! This is Minnie trying to give some poses, I guess. दादी कैसा लगा आपको पहली बार प्लेन में बैठ के? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ घूमे दादी आप? मामा जी के घर। मामा जी के घर? आप पायलट से भी मिले थे ना? प्लेन लैंड होने के बाद पायलट दादी से मिलने आए और बोला कि दादी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। डर लगा आपको प्लेन में? बिल्कुल लगा। ऊपर से क्या क्या देखा आपने? घर से नहीं खा के गए थे दादी? वैसे जरूरी थोड़ा होता खाना। दिल्ली से निकलते हुए आपने क्या खाया? उधर बताओ। बुलबुल ने बनाया था, बाकी सारी प्रिपरेशन मेरी थी, तैयारी मेरी थी। आलू वाले मैश किए, आटा मला, आटे में अजवाइन डाला, नमक डाला, हल्दी डाला। अब हम दादी को अपने देहरादून वाले घर यानी इन लॉज वाला घर दिखाने लेके जा रहे हैं। ये देखो हमारा गार्डन, इसमें आम लगे हुए। देखो यही तो भर गया। हाँ, वो स्टेयर चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज ये हमारी जो दादी हैं, ये पहाड़ वाली दादी हैं, इन्होंने पहाड़ में मतलब बहुत पहाड़ चढ़े हुए हैं। शी कैन वॉक ईजी। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे हम डांस वगैरह करते हैं। उनके साथ ऊपर जाने वाली हूँ। दादी आपको कैसा लगा मेरा घर बताओ? बहुत अच्छा लगा आपको मेरा घर? थैंक यू दादी। चलो दादी ऊपर चलते हैं। मच कूलर देन ऋषिकेश आई मस्ट से। जब भी मैं देहरादून से वापस ऋषिकेश जाती हूँ तो इट फील्स मोर ह्यूमिड देन बिफोर। कैराश हॉस्पिटल इज़ वेरी मच विजिबल एज यू कैन सी। दादी आप देहरादून कितने टाइम बाद आए हो? आपका माइका इधर ही है ना, जो क्यारी बनाई हुई हमने, अच्छी लगी वो? अच्छा लगा, पप्पू तो नहीं रहता। अभी उगेगा धीरे धीरे, अभी मौसम नहीं उगने वाला। मक्का बोना था हमको वहाँ पे, ये तो बंदर नहीं था ना? बंदर तो है नहीं, बट मक्का देख के क्या पता आ जाएंगे। देहरादून में दादी की बहुत छोटी सी विजिट के बाद हम दादी को ले चलते हैं अपने साथ जहाँ हम रहते हैं, वहाँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश में दादी को सबसे पहले हम अपने ताई जी ताऊ जी से मिलने के लिए लेके गए थे। यहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि बातें कर रहे थे कि कैसे दादी अपनी 80s में होके भी इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इतना काम करती है, और ये सब सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। वाओ, ब्यूटीफुल इवनिंग एंड ब्यूटीफुल दादी। हाय दादी। जब भी मैं दादी से मिलती हूँ तो दादी हमेशा मेरे बचपन का बताती है, क्योंकि मेरी मॉम वर्किंग है तो दादी ने बचपन से मुझे पाला है और बड़ा किया है, इसलिए मैं दादी से बहुत अटैच्ड हूँ और हमेशा दादी की थैंकफुल रहूँगी। थैंक यू दादी। दादी कानून एक बेटी टपक जाल वो यान पकड़ो है तैयार। हाँ ठंडू चे ठंडू। अब हम दादी मॉम को लेके निकल रहे हैं गंगा तट के किनारे, on the bank of river Ganges. आज का मौसम इतना प्यारा और इतनी आंधी चली ना आज, माई गॉड बहुत आंधी। दादी बोल रही थी मुझे कि आंधी वाला मौसम नहीं होना चाहिए कभी भी,
बारिश हो जाए चाहे बिजली नहीं कड़कनी चाहिए, और एग्जैक्टली दादी ने जैसे बोला वैसा ही मौसम हो गया। देखो क्लाउड्स इतने ज़्यादा काले काले, मेरे को मन कर रहा है मैं गाऊँ बरसो रे मेघा पर मत गरजो रे मेघा मेघा, डरा रहे हैं यार गरज गरज के। Meanwhile, he's trying to do something, or they both are trying to do something together. God knows. This cat is cute and very much entertaining. पर ये दादी को देख के डर रही थी। So guys, this was my dadi's journey from Delhi to Dehradun to Rishikesh. मेरा और मेरी sister का dream था दादी को एक बार flight experience देने का, और I think हम उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। दिस विल ऑलवेज स्टे एज अ मेमोरी इन माई हार्ट फॉर एवर। दादी के चेहरे पे फन एक्साइटमेंट और स्माइल देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और उससे भी ज़्यादा खुशी होती है दादी का प्यार हमारे लिए देख के। लव यू दादी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।